अच्छा तो जनाब हम वर्जीनिया बीच के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। कुछ ये अब हम समंदर के नीचे से गुजर रहे हैं तो आगे अब हम वर्जीनिया बीच पहुंच जाएंगे। तो जिस घर में हमने 3 दिन रहना है वहां हम आ गए हैं। ये अब घर का ये ओपन किचन नज़र आ रहा है, ये आपको लिविंग एरिया है। ये घर जो है 4 बेड। बड़ा आइडियल मौसम होता है तो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा ट्रिप है वर्जीनिया बीच का, जो कि एक बहुत यहाँ की बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। और हमारी जो ये ट्रिप है, आप देख रहे हैं शदीद बारिश हो रही है इस वक्त, और ये किसी सूरत भी एक आइडियल वेदर नहीं है, स्पेशली बीच या किसी समंदर के साहिल पे जाने के लिए। तो ये प्लान तो हमने तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले किया था, उस वक्त इतनी शदीद बारिश की पेशन गोई नहीं थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ यहाँ पे बड़ा आइडियल मौसम रहा है और मेरे ख़्याल से इस फॉल के सीज़न के सबसे बेहतरीन 2 दिन जो थे वो गुज़िश्ता 2 दिन थे। बहुत आइडियल सनशाइन थी, बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन आल्दो के बारिश की पेशन गोई थी, लेकिन इस तरह की बारिश की पेशन गोई नहीं थी। तो हमें तो चूंकि प्लान किया हुआ है, बुकिंग करवाई हुई है, तो अब हम जो है इससे बैक आउट नहीं कर सकते। और इसकी चंद वजूहात भी हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अमेरिका में छुट्टियाँ और फिर उसकी जो है वो स्केजुअलिंग ड्यूटी की वो बहुत मैटर करती है, बच्चों की छुट्टियाँ भी बड़ा मैटर करती हैं। तो एनी हाउ चाहे मौसम जैसा भी है, अब हमने निकलना है। तो चलते हैं वर्जीनिया बीच और आपको वर्जीनिया बीच की सैर करवाते हैं। ये यहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे की ड्राइव पर है, तो वी होप कि वहाँ पे इंशाल्लाह मौसम अच्छा रहेगा। तो चलें चलते हैं। अच्छा तो जनाब हमारा सफ़र अभी शुरू हो चुका है। ये देखें हम I-95 पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारा जो अलेक्जेंड्रिया शहर है ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में है, और अब हमने वर्जीनिया बीच की तरफ जाना है जो साउदर्न वर्जीनिया में वाकिया है। ये देखें सबसे मुश्किल पार्ट इसका ये है, आपको देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत मुश्किल हो जाता है, ड्राइव करना रोड स्किडी होता है, गाड़ियाँ जो है वो फिसल सकती हैं, और बस अल्लाह का नाम ले कर हम जा रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि देखें गाड़ियाँ जो है। अब हम वर्जीनिया बीच के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, कुछ चंद माइल का फासला रह गया है। इस वक्त हम चेसापीक से गुजर रहे हैं। ये जो समंदर आपको नज़र आ रहा है ये चेसापीक बे है, जैसे आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, जैसे खलीज बंगाल, तो ये चेसापीक शहर का नाम है और ये चेसापीक खलीज, चेसापीक भी आप इसको कह सकते हैं। आगे अभी ये एक ब्रिज आ रहा है, टनल आ रहा है बल्कि, तो ये टनल जो है ये अंडर वाटर है, ये इस चेसापीक बे के बीचों बीच समंदर से गुजर रहा है। और ये पीछे जो शहर था चेसापीक और आगे जो वर्जीनिया बीच है उसको लिंक करता है, उसको ब्रिज करता है, उसको मिलाता है। ये देखें ये अब हम समंदर के नीचे से गुजर रहे हैं, तो आगे अब हम वर्जीनिया बीच पहुंच जाएंगे। तो जिस घर में हमने 3 दिन रहना है वहाँ हम आ गए हैं। ये बाहर से आपको नज़र आ रहा है ये घर है, और बच्चों को एंट्रेंस नहीं मिल रही, वो घर के कभी एक तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये तो बाहर से है, अब चलें हम मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये घर कैसे नज़र। ये एंट्रेंस से मैं अभी अंदर आ गया हूँ, तो ये आपको एंट्रेंस से बाहर का व्यू नज़र दिखा रहा हूँ। ये देखें ये दूसरा घर है, ये उनका बैकयार्ड है, और ये अब घर का ये ओपन किचन नज़र आ रहा है, ये आपको लिविंग एरिया है। ये घर जो है 4 बेडरूम्स हैं इसके, तो आपको ज़रा इसका विज़िट करवाता हूँ। ये देखें ये इनका फ्रिज है, और इसमें
खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं। उस खातून जिसका ये घर को ऑन करती है उन्होंने बताया था, ये देखें आपको, ये किचन है, ये अब थोड़ा सा सिटिंग एरिया है यहाँ पे, और फिर ये पीछे लिविंग एरिया है, और ये फिर आगे टीवी का भी बैठ के देख सकते हैं, और यहाँ पे देखें ये आपको बार, ये चेयर्स, आप कॉफ़ी टी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें आप, आपको ये देखें पियानो पड़ा हुआ है, और ये अभी हम ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो ये स्टेयर से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यार कितना बेहतरीन व्यू है, ये देखें, और ये देखें अभी हम बेडरूम्स आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये पहला बेडरूम है, तो ये मास्टर बेडरूम है, ये देखें इसमें वो ये इस बेडरूम से बाहर का व्यू है। ये पीछे ये हमारे पड़ोस में जो घर है उसका बैकयार्ड है, ये देखें, ये इस साइड से भी व्यू है, इसमें वॉकिंग क्लोज़ेट भी है, और ये देखें हमारी गाड़ी नज़र आ रही है नीचे ये। और अब दूसरा वो रूम आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों का देखें, ये बंक बेड पे बच्चों ने ऑलरेडी कब्ज़ा कर लिया है, बैठ गए हैं बच्चे, ये देखें गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इस घर रूम से भी जो है, हर रूम से आपको खिड़कियां हैं, बाहर का व्यू नज़र आता है, और हर रूम का अलहदा जो है वो कलर कम्बिनेशन। ये वॉशरूम है, और ये दूसरा जो बेडरूम है, तो ये तीन हो गए, और अभी मैं आपको चौथा भी बेडरूम दिखाता हूँ। ये देखें आपको, ये वॉकिंग क्लोज़ेट है, ये लॉन्ड्री है, तो ये चौथा बेडरूम है। तो ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ा, इस तरह के बने घर को यहाँ पे सिंगल फैमिली होम भी कहते हैं। और ये जैसे कि बताया मैंने कि बड़ी फैमिली के लिए होता है, यहाँ पे बड़ी फैमिली क्या होती है, दो बच्चे और उनके पेरेंट्स, ये बड़ी फैमिली होती है। यहाँ पे इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, और इसी तरह बारिश हो रही है, और बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई है, और हमने किसी रेस्टोरेंट जाने की बजाय यहीं से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और अभी मैं अपना ऑर्डर पिक करने आया हूँ। ऑल्दो हमने बड़ा लेट नाश्ता किया था और रास्ते में स्नैक्स भी लिए थे, लेकिन फिर भी भूख लगी हुई है बच्चों को। हाय, हाउ आर यू? यस, फिरासत नदीम, या 2 पिज़्ज़ा एंड चीज़ ब्रेड, आई मीन I have a drink as well. Did you want to get cash or card? How is your day today? It's been pretty good. How's your day? How much are they? $31.53. Sure. मैं इस वक्त 7-Eleven आया हूँ, जो कि अमेरिका का एक मशहूर कन्वीनियंस स्टोर है। यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक्स लेने हैं, और हमने चाय के लिए दूध पत्ती और चीनी वगैरह भी लेनी है। हमारे पास उधर घर में किचन की सहूलत है, तो चाय बना के पियेंगे, उससे थकावट भी दूर होगी। बड़ी मूसलाधार बारिश जारी है, और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो बड़ी शदीद बारिश है, और मुझे लग रहा है कि आज हम वर्जीनिया बीच नहीं जा सकेंगे, तो चलें जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस वक्त मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया है, और ये देखें बच्चे टीवी इंजॉय कर रहे हैं, बाहर तो आउटडोर कुछ एक्टिविटी हो नहीं सकती, तो ये अपने स्नैक्स भी खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, और मैं थोड़ी सी रीडिंग करता हूँ और थोड़ा सा ख़बरें वगैरह सुनता हूँ, तो चलें। अच्छा, तो दोस्तों आज का पहला दिन हमारा तकरीबन सो के ही गुजरा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर, और अभी मैं उठा हूँ, मगरिब का वक्त होने वाला है, और पूरा दिन बारिश होती रही है। हम तकरीबन 4 घंटे ट्रैवल करके अलेक्जेंड्रिया से यहाँ पहुँचे, पूरे रास्ते में भी बारिश थी, और फिर इसी तरह ये बारिश, नॉन स्टॉप बारिश जो है वो उस वक्त से जब हम यहाँ पहुँचे हैं उस वक्त से अब तक जारी है। और एक बड़ी अच्छी ख़बर ये हुई कि ये घर जो हमने किराए पे जिस खातून से लिया था,
तीन दिन के लिए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि मैं और वो एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही स्कूल यानी एक ही डिपार्टमेंट में पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ और वो ग्रेजुएट हो चुकी हैं, और उनके वालिद साहब और मैं ऑलमोस्ट एक ही महकमे में काम कर चुके हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मुझसे जो कराया है वो लेने वापस कर दिया है, और मैंने उसको बहुत इसरार किया लेकिन उन्होंने मुझसे कराया नहीं लिया। तो तकरीबन 700-800 डॉलर यानी टोटल, यानी यहाँ पे ये भी होता है कि आप ना सिर्फ घर लेते हैं बल्कि फिर उस जाने के बाद उस घर की सफाई यानी हाउस कीपिंग के पैसे भी आप देते हैं जो घर साफ़ करके, क्योंकि यहाँ पे ये दस्तूर है अगर आप एयरबीएनबी पे घर लें तो जिस हालत में लेंगे उसी हालत में देंगे। तो उन्होंने वो पैसे मुझे वापस कर दिए हैं, तो समझें कि यहाँ पे हम सिर्फ फ्री में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि इन खातून के साथ यहाँ पे और नेबर्स के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो अभी कल हमें एक नेबर ने चाय पे इनवाइट किया है और दूसरी खातून जो हैं, जो हमारी दूसरी खातून हैं नेबर हैं, उन्होंने खाने पे इनवाइट किया है। तो हमें अब ज़ाहिर बात है हर किसी की दावत तो कबूल नहीं करनी, हमने अपनी भी लाइफ है। मौसम होता है तो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं, तो